गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वीज़ा नॉर्म्स फॉर चाइनीज़ नेशनल्स। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो यूनियन मिनिस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दोनों ने कहा है कि थोड़े से जो वीज़ा रेगुलेशंस हैं वो चाइनीज़ टेक्नीशियंस के लिए रिलैक्स किए जाएँ, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो जिन्होंने इम्पोर्ट की है हैवी मशीनरी, चाइनीज़ मशीनरी, वो उसको ऑपरेशनलाइज़ नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो टेक्नीशियंस हैं चाइना से वो नहीं आ पाते हैं क्योंकि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगाए गए हैं। तो ये इशू जब से गलवान क्लैश हुआ है तब से आ रहा है, और एफर्ट्स जो हैं इंडियन प्रोफेशनल्स को चाइना में भेजने के वो भी इनफेक्टिव रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, इम्पोर्टर्स को तो वीज़ा दे देती हैं जल्दी से, लेकिन जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स या गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उनके लिए डिले कर देती है वीज़ा को। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो डिपेंडेंट है चाइनीज़ मशीनरी पर, और जो चाइनीज़ प्रोफेशनल्स हैं उन वो बहुत हाई क्वालिटी के रहते हैं, और उनको इंडिया में लाकर उन ये जो है मशीनरी ऑपरेट करना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है सीखने के लिए। तो उनको अगर वो नहीं आ पाते हैं तो वो मशीनरी जो जिस पर इतना खर्चा किया है इम्पोर्टर्स ने, उसमें फिर जो है प्रॉब्लम आ जाती है। चाइनीज़ टेक्नीशियंस यूजुअली इंडिया में एक साल तक रहते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करते हैं और वापस चले जाते हैं, और जो कि हमारी इंटरेस्ट, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंटरेस्ट में है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है इन चाइनीज़ प्रोफेशनल्स पर रिलाई कर रही है। ऑफिशियल्स का डेटा कह रहा है लगभग 100 बिलियन वर्थ ऑफ इम्पोर्ट्स हुए हैं जो चाइना से, उसमें से 60% जो है ये इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। ड्यू टू स्ट्रेंड जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप जो है इंडिया ने स्ट्रिक्ट क्वालिटी नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, इंडिया अपना PLI स्कीम भी लेकर आया है, जिसकी वजह से जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने चाइनीज़ इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश की है। ठीक है, तो वीज़ा नॉर्म्स जो हैं वो चाइना के लिए कैसे डिफरेंट हैं। इंडिया जो है फॉरेन नेशनल्स को बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट या बिज़नेस वीज़ा कैटेगरी में एंटर करने देता है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो एक साल के लिए होते हैं, बिज़नेस वीज़ा जो है वो 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन चाइनीज़ नेशनल्स के लिए सिंगल एंट्री टूरिस्ट और बिज़नेस वीज़ा जो है वो 3 मंथ्स के लिए इशू किए जाते हैं, और बाकी टाइप के वीज़ा जो है उनके लिए प्रायर क्लियरेंस चाहिए होती है। तो गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज़ प्रोफेशनल्स की एंट्री को लिमिट करने के लिए PLI स्कीम्स के अंडर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लेकर आई है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको रेलोकेट करने पड़े ऑपरेशंस बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में, जहां पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने चाइना के ऊपर FDI रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। एक सिग्निफिकेंट चेंज आया इंडिया की FDI पॉलिसी में, जिसमें कहा गया कि जब गलवान क्लैश हुआ 2020 में, तो उसके बाद चेंज किया इंडिया ने पॉलिसी, जिसमें कहा गया कि इन्वेस्टमेंट्स उन कंट्रीज से जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट राउट के थ्रू ही आएंगी, ऑटोमेटिक नहीं होंगी। लेकिन फिर भी अब आपको पता है कि इंडिया में जो चाइनीज़ FDI है वो वैसे भी बहुत कम ही रहा है। अगर अप्रैल 2000 से लेकर दिसंबर 2021 तक का आंकड़ा देखें, उसमें चाइना का रैंक 20th रहा है, सिर्फ 0.43% शेयर है टोटल FDI इक्विटी इनफ्लो का इंडिया में फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया है यूनियन गवर्नमेंट को कि वीज़ा अप्रूवल की वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो एक शॉर्ट टर्म वीज़ा लेकर आए जाएं चाइनीज़ टेक्नीशियंस के लिए, ताकि कमीशनिंग ऑफ प्लांट वगैरह में हेल्प हो सके और सेफगार्ड्स आप उस रेगुलेशन में ला सकते हो, ताकि एटलीस्ट चाइनीज़ टेक्नीशियंस यहाँ पर आए और ये इंडस्ट्री जो ऑपरेट करना प्लांट्स को वो सीखा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डेपुटेशन ऑफ IPS ऑफिसर्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो होम मिनिस्ट्री ने 24 स्टेट्स को लेटर भेजा है कि वो इनफ IPS ऑफिसर्स नहीं भेज रहे हैं, नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं जिस सेंट्रल डेपुटेशन पे, जिसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसीज जनरेट हो चुकी हैं CAPF में। तो 2009 में देर वर अबाउट 1600 वैकेंसीज, जो कि टोटल 4000 IPS स्ट्रेंथ IPS ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से। और सिचुएशन है क्यों इस तरह इसलिए हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि
न्यू आईपीएस बैचेस को रिड्यूस किया जा रहा है कॉस्ट कटिंग मेजर के हिसाब से, ठीक है। तो 2024 के 3 जून तक के अगर हम आंकड़ा देखें तो 129 वैकेंसीज रही हैं एसपी लेवल पर, और 81 वैकेंसीज रही हैं डीआईजी लेवल पर, 25 वैकेंसीज रही हैं आईजी लेवल पर। तो डेप्यूटेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स कैसे होती है? एग्जिस्टिंग रूल क्या कहता है कि प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डेप्यूटेशन जो है वो रूल 6 ऑफ आईएएस कैडर रूल्स के थ्रू जो है वो गाइडेड रहता है। नॉर्मली क्या होता है, सेंट्रल हर साल एक ऑफर लिस्ट निकालता है ऑफिसर्स की, ऑल इंडिया सर्विसेज की, जो कि विलिंग रहते हैं सेंट्रल डेप्यूटेशन पर जाने के लिए। ऑफिसर्स जो हैं वो सेंट्रल डेप्यूटेशन पर जा सकते हैं ओनली आफ्टर नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस मिले स्टेट गवर्नमेंट से उनकी रिस्पेक्टिव, उनके जो कार्डर की। तो अपनी 40% टोटल कार्डर स्ट्रेंथ से ज़्यादा जो है ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स में सर्व नहीं कर सकते एक टाइम पर। तो डेप्यूटेशन ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं उसको, सेंट्रल डेप्यूटेशन को सेंट्रल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड जो कि यूनियन होम सेक्रेटरी हेड करते हैं, वो असेस करते हैं, ठीक है। और जिनका नाम भी क्लियर हो जाता है आईजी लेवल पर उसको आगे भेजा जाता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट पे अप्रूवल के लिए। तो इसमें आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो ऑफ कोर्स अब आपको पता है रिक्रूटमेंट तो यूपीएससी से होती है। अब चेंजेस क्या प्रपोज़ किए गए, जनवरी 2022 में एक प्रपोज़ल आया जिसमें कि रूल 6 को चेंज करने की बात की गई सेंटर द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर ले ली अपने आप कि ट्रांसफ़र ऑफ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं सेंट्रल डेप्यूटेशन पर है उनकी ट्रांसफ़र सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करेगी। अंडर प्रपोज्ड अमेंडमेंट ऑफिसर जो है वो कार्डर से रिलीव माना जाएगा उस डेट से जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, या तो जब स्टेट गवर्नमेंट जब से स्टेट गवर्नमेंट से मांगा गया है उस ऑफिसर को, चाहे वो जितना मर्जी डिले करे स्टेट गवर्नमेंट सेंटर में भेजने के लिए, तब उस डेट से ऑलरेडी माना जाएगा कि वो उस कार्डर से रिलीव हो चुका है ऑफिसर। और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को विद इन स्पेसिफाइड टाइम अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं जो है इफ़ेक्ट देती, तो भी उस डेट से माना जाएगा कि वो रिलीव हो चुका है अपने कार्डर से ऑफिसर, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगा है। सेंटर जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ ऑफिसर्स डिसाइड करेगा कि कौन कितने डेप्यूट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पर, ठीक है। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है स्टेट और सेंटर के बीच में तो मैटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। फिर अप्रैल 2022 में प्रपोजल आया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स का जो है प्रपोजल दिया कि एसपी और डीआईजी लेवल पर शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स हो रहा है। तो अप्रैल 2022 में कहा गया कि एग्जिस्टिंग रूल्स क्या कहते हैं कि अगर एक आईपीएस ऑफिसर जो है कम से कम 3 साल सेंट्रल डेप्यूटेशन पर नहीं निकालता है आईजी लेवल तक, तब तक वो एम्पैनल नहीं हो सकता सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए, ठीक है। उस एग्जिस्टिंग रूल्स की वजह से मोस्ट आईपीएस ऑफिसर जो कि सेंट्रल डेप्यूटेशन पर आ रहे हैं वो सिर्फ आईजी लेवल पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एसपी और डीआईजी लेवल पर जो है वो शॉर्टेज हो रही है। लगभग 50% वैकेंसीज इन दोनों लेवल पर रहती है डिफरेंट सीएपीएफ या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में, इसलिए इस प्रपोजल को लाया गया ताकि जो है शॉर्टेज ऑफ एसपी लेवल और डीआईजी लेवल को जो है वो एड्रेस किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बर्डन रिड्यूस करने के लिए पेंडिंग कोर्ट केसेस का, जहाँ पर गवर्नमेंट एक पार्टी है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लेकर आ रही है। तो ये कैबिनेट को भेजी जाएगी अप्रूवल के लिए। तो ये इस पॉलिसी का बैकग्राउंड देखें तो लगभग 50 मिलियन ऐसे केसेस हैं हर लेवल पर जुडिशरी में जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो लीडिंग लिटिगेटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट लगभग 73% सारे केसेस के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में है उनमें रिस्पॉन्सिबल है। तो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी 2010 में अनाउंस तो की गई थी बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो बीजेपी ने अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी इसको अनाउंस किया था कि अगर हम गवर्नमेंट पावर में आते हैं तो हम नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लेकर आएंगे। तो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी क्या है कि
ये रिकॉग्निशन है कि गवर्नमेंट और उसकी वेरियस एजेंसीज जो हैं वो प्री डोमिनेंट लिटिगेंट्स हैं कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में, तो एम ये रहेगा कि गवर्नमेंट जो है उसको एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल लिटिगेंट बनाया जाए। एफिशिएंट लिटिगेंट मतलब कि कॉम्पिटेंट और सेंसिटिव लीगल पर्सन द्वारा ही रिप्रेजेंटेड हो, फोकस रहे कोर इशूज़ में और छोटे मोटे इशूज़ के लिए लिटिगेशन ना रिक्वायर रहे। कोहेसिव कोऑर्डिनेटेड और टाइम बाउंड मैनर में लिटिगेशन कंडक्ट किया जाए और अच्छे केसेस तो जीते जाएं लेकिन जो बैड केसेस हैं उनको अननेसेसरीली प्रसू ना किया जाए। रिस्पॉन्सिबल लिटिगेंट मतलब फॉल्स प्लीज या टेक्निकल पॉइंट्स को ना आगे प्रसू किया जाए, सिर्फ करेक्ट फैक्ट्स और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ही प्लेस किए जाएँ कोर्ट में। कोई भी चीज़ कंसील ना की जाए कोर्ट से। लिटिगेशन को प्रायोरिटाइज किया जाए ओनली जहाँ पर वेलफेयर लेजिस्लेशन, सोशल रिफॉर्म या वीकर सेक्शंस की बात हो, ठीक है। और पॉलिसी सजेस्ट करती है कि पेंडिंग केसेस जो हैं गवर्नमेंट के वो रिव्यू किए जाएं प्रायोरिटी बेसिस पर और उनको क्विक डिस्पोजल किया जाए। और ये भी प्रपोज कर रही है कि मॉनिटरिंग और रिव्यू मैकेनिज्म रखा जाए ताकि सेंसिटाइज किया जा सके गवर्नमेंट को इम्पॉर्टेंट केसेस में, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो गवर्नमेंट का लिटिगेशन जो है कोर्ट्स में उसको रिड्यूस करेगा। ये एवरेज पेंडेंसी टाइम जो है 15 साल तक का जो रखा है अभी चल रहा है कोर्ट्स में उसको 3 साल तक करने की कोशिश की जा रही है। सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब जो है इस नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है स्टे लगाने पर काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल कॉलेजेस में है, पेपर क्योंकि एलिगेशंस लगे थे पेपर लीक और इरेगुलरिटीज़ के तो नीट एग्जामिनेशन में। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है क्या? 2017 में बनाया गया इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। एक प्रीमियर स्पेशलिस्ट ऑटोनॉमस और सेल्फ सस्टेन्ड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो नीट क्या है? नीट जो है वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। स्टूडेंट्स जो कि अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं तो ये जो नीट एग्ज़ाम है ये स्टैंडर्डाइज कर रहा है पूरे एडमिशन प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टारशिप। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट उसने अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट फ्लाइट अचीव कर ली है इस हफ्ते। तो स्टारशिप एक एम्बिशियस स्पेसक्राफ्ट है जो कि फुली रीयूजेबल है। स्पेसएक्स ने इसको बनाया है और ये कई डेस्टिनेशंस पर जा सकता है इन स्पेस इंक्लूडिंग मार्स प्लैनेट। तो डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन देखें तो ये 2-stage 2-orbit लॉन्च सिस्टम है। पहला स्टेज सुपर हैवी बूस्टर है, ठीक है, जिसमें कि स्टारशिप को अर्थ के एटमोसफेयर से बाहर ले जाया जाएगा। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट सेकेंड स्टेज है जिसमें कि स्पेस ट्रैवल के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोनों की दोनों स्टेजेस जो है वो फुली रीयूजेबल है। क्र्यू इसमें लगभग 100 पैसेंजर्स तक बैठ सकते हैं। रैप्टर इंजन्स द्वारा ही पावर्ड है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन क्या है कि मार्स की कोलोनाइजेशन भी करनी है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म गोल है स्पेस एक्स का कि ह्यूमैनिटी को मल्टीप्लैनेटरी बनाना है। फिर नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में भी स्टारशिप एज अ लूनर लैंडर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। ऑर्बिटल फ्लाइट्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 49 माइग्रेंट्स जो है उनकी डेथ हुई है, 140 अदर्स जो है वो मिसिंग है क्योंकि बोट कैप्साइज हो चुकी है नियर यमन, UN माइग्रेशन एजेंसी का कहना है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्विसेज और एडवाइस देती है कंसर्निंग माइग्रेशन। इसको 1951 में एस्टेब्लिश किया गया था जिनीवा में। तो ह्यूमन और ऑर्डरली माइग्रेशन के लिए इसको बनाया गया था, बेनिफिट ऑफ ऑल के लिए, ठीक है। तो इसके की एरियाज़ अगर हम देखें वर्क के तो ये बेनिफिट्स ऑफ माइग्रेशन को मैक्सिमाइज करना, हेल्थ सर्विसेज और सपोर्ट टू माइग्रेंट्स को माइग्रेंट्स देना, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करना और एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट करने के लिए भी एक्टिवली काम करती है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नोटिफाइड डिजास्टर्स। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑनगोइंग स्पेल ऑफ हीट वेव जो है उससे ये डिस्कशंस रीओपन हो रही हैं कि कैसे जो है हीट वेव्स को इंक्लूड करना चाहिए नोटिफाइड डिजास्टर्स में अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट।
तो नोटिफाइड डिज़ास्टर्स जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर डिफाइंड है। तो एक ऐसा डिज़ास्टर जो कि कैटास्ट्रोफ मिसहैप कैलमिटी या ग्रेव अकरेंस का हो, नेचुरल या मैन मेड कॉजेज से जो है वो अराइज हुआ हो, जिसकी वजह से सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डैमेज टू एनवायरनमेंट हुआ हो, ठीक है। नोटिफाइड डिज़ास्टर्स एलिजिबल रहते हैं रिलीफ असिस्टेंस लेने के लिए स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंडर। तो हीट वेव्स जो है वो करंटली अभी तक इंक्लूडेड नहीं है नोटिफाइड डिज़ास्टर में। स्टेट्स जो हैं वो 10% ऑफ देयर SDRF एलोकेशन कर सकती हैं लोकल डिज़ास्टर्स के लिए, इंक्लूडिंग हीट वेव्स। NDMA क्या है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है क्रूशियल रोल प्ले करती है पॉलिसीज, प्लान्स और गाइडलाइंस में डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया में। एक नेशनल रिजॉल्व प्रमोट करती हैं, ये करता है NDMA डैमेज को मिटिगेट करने के लिए, डिस्ट्रक्शन को मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लैनेट वार्मिंग नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस जो है वो पिछले 1980 से लेकर 2020 के बीच में 40% ग्रो हुए हैं एज़ पर रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, लाफिंग गैस या हैप्पी गैसेस भी इसको कहते हैं, एक कलरलेस, ओडरलेस और नॉन फ्लेमेबल गैस है ये, और ये कंबस्शन को सपोर्ट करती है सेम एक्सटेंट एज ऑक्सीजन। ये एक स्टेट ऑफ यूफोरिया भी लेके आती है ह्यूमंस में, इसलिए इसको लाफिंग गैस कहते हैं, और इसको जो है वो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स को सेडेट करने के लिए। सॉल्युबल इन वाटर है, इसको एज अ प्रोपेलेंट भी यूज़ किया जाता है फूड एरोसोल्स में, और ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी इंजन परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो रिपोर्ट ये कह रही है कि ये थर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और इसकी एमिशंस पिछले 40 साल में लगभग 40% इंक्रीज़ हुई हैं। टॉप एमिटर्स जो है वो चाइना, इंडिया, US, ब्राज़ील, रशिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, टर्की और कनाडा हैं। और बिगेस्ट सोर्सेज जो हैं नाइट्रस ऑक्साइड के वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है, जिसमें कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर्टिकुलरली 74% जो है एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is visa norms for Chinese nationals. So two union ministries, electronics and information technology and commerce and industry, are advocating for relaxed visa regulations for Chinese technicians. So we know that domestic industry has imported and installed Chinese machinery, but it is unable to operationalize it because the visa issues are being made or artificially created against the Chinese nationals, especially those Chinese nationals who are the technicians who are meant to teach or who are meant to share the expertise in operating those machinery parts. Okay, so after the Galwan clash of 2020, the issue has arisen after the government of India introduced strict visa norms for Chinese nationals. So Chinese authorities are also not willing to give approval to Indian manufacturers and government officials, so that's why the problem arises. We have imported a very heavy machinery from China, but we are unable to operate it because of these visa restrictions. Domestic industry is saying that productivity of Chinese nationals is of Chinese professionals is of very high quality. They usually stay in India for a year. They share their expertise and then they return, and this is in the interest of our manufacturing. Domestic industry relies on Chinese professionals, and out of the 100 billion worth of imports from China, around 60% comprised of engineering and electronic items. Due to the strained geopolitical relationship with China, India has implemented strict quality norms to reduce Chinese imports of mass consumption items and even intermediate products, and instead we are pursuing the domestic manufacturing through PLI schemes. Okay, so how visa norms are different for Chinese nationals? In general, India allows foreign nationals to enter for business activities under employment and visa, business visa categories. Employment visas are granted for 1 year at a time, and business visas are valid for 5 years. But for Chinese nationals, only single tourist
एंड बिजनेस वीज़ाज आर वैलिड फॉर अप टू 3 months एंड अदर वीज़ा टाइप्स रिक्वायर प्रायर क्लियरेंस. ओके सो इंडस्ट्री सोर्सेज आर इंडिकेटिंग दैट गवर्नमेंट परमिट्स लिमिटेड एंट्री ऑफ चाइनीज प्रोफेशनल्स अंडर द PLI स्कीम्स एंड मैन्युफैक्चरर्स आर फोर्स टू रेलोकेट ऑपरेशंस टू कंट्रीज लाइक बांग्लादेश वेयर देर आर नो सच वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस फॉर चाइनीज नेशनल्स. ओके सो FDI restrictions have also been placed on China since the Galwan clash and investments government introduced a requirement that investments coming from countries which share land borders with India need to be approved through the government route. Okay, since that time India had approved only about 1/4 of the 435 FDI applications from China by June of the previous year. Already the FDI from China has been very low since the year 2000 to December 2021 period. If we see that, China has been ranked at as the 20th FDI partner of India. Okay, so that's why domestic industry is requesting that even if you bring some safeguard as per the regulations, and you should allow, or the government should allow, short-term visas for Chinese technicians so that they can help in commissioning the plant in India. Okay, so the next topic is deputation of IPS officers. This topic is important for your governance topic. The Union Home Ministry has sent letter to 24 states stating that not enough IPS officers have been nominated by these state governments for central deputation, and this has caused many vacancies in CAPFs. So in 2009 there were about 1600 vacancies against a sanctioned strength of over 4,000 IPS officers, and situation has arisen due to the government's decision to reduce the size of new IPS batches as part of its cost-cutting measures. So as on June 3rd, there were 129 vacancies at SP level, 81 vacancies at DIG level, 25 vacancies at the IG level. So the existing rules say that process of central deputation is guided by Rule 6 of the Deputation of Cadre Officers Rules 1954. Normally the central government asks every year for an offer list of officers of All India Services who are willing to go on central deputation, but these officers can go on central deputation only after getting a no objection certificate from their respective state governments. States have to depute these AIS officers to the central government at any point, and it cannot be more than 40% of the total cadre strength. So officers who are suitable for central deputation are assessed by the Central Police Establishment Boards, which is headed by the Union Home Secretary, and then those who are selected are sent for approval from the Appointments Committee of the Cabinet. So IPS officers, we all know that they are recruited from the UPSC, and in January 2022 the central government proposed to amend the Rule 6 of these IAS cadre rules. Under the proposed amendment, central government will acquire itself the power or overriding powers to transfer IAS and IPS officers through central deputation, and under the proposed amendment the officer shall stand relieved from cadre from the date when the state government starts delaying the posting of a state cadre officer to the center, or it does not give effect to the central government's decision within the specified time. Also, the center will decide the actual number of officers, and in case of any disagreement between the state and center, the matter shall be decided by the central government only. Okay. In April 2022, MHA also sent a proposal to Prime Minister's office to address the shortage of officers at SP and DIG levels at the center. So as per this proposal, IPS officers will have to come on central deputation at the SP or DIG level only. Otherwise, he or she may be barred from central posting for the rest of his career. Why this was being done? Because existing rules state that if an IPS officer does not spend 3 years on central deputation till the IG level, he or she will not be empaneled for central deputation. Because of the existing rules, most IPS officers come on central deputation only at the IG level, and this leads to severe shortage at the lower level, that is at the SP and DIG levels. So there are over 50% vacancies at these two levels, SP and DIG levels, at different CAPFs and central police organizations. So that's why this proposal was meant to address this shortage of officers at SP and DIG levels at the center. Okay.
So the next topic is national litigation policy. This topic is again important for your governance section. So to reduce the burden of pending court cases in which the government is a party, Union Ministry of Law and Justice has approved the national litigation policy, which will now be sent to the cabinet for approval. So as of now, roughly 50 million legal cases are pending at various levels where the government is the country's leading litigator. For example, the government is responsible for 73% of all cases admitted by the Supreme Court. National litigation policy was launched in 2010 and this policy was not implemented at that time. The long pending policy has been part of BJP's Lok Sabha election manifesto also. And this policy is based on the recognition that government and its various agencies are the predominant litigants in courts and tribunals in the country. So it aims to transform the government into an efficient and responsible litigant. Efficient litigant means that it is represented by competent and sensitive legal persons, and it will only focus on core issues involved in litigation and address them squarely. It will manage and conduct litigation in a cohesive, coordinated and time-bound manner, and it will ensure that good cases are won but bad cases are not unnecessarily pursued. And a responsible litigant means that false pleas and technical points will not be taken and shall be discouraged. It will ensure that correct facts and all relevant documents will be placed before the court. Nothing shall be concealed from the court, and litigation will be prioritized in the sense that particular emphasis will be done on welfare legislation, social reform and weaker sections. The policy also suggests that pending cases with government as party to be reviewed on priority basis, and it has also proposed a monitoring and review mechanism to sensitize government in important cases. Okay, and so as to avoid delay and neglect of the same. So the purpose of this policy is to reduce government litigation in courts and to reduce average pendency time from 15 years to 3 years only. And the aim is, of course, to protect the rights of citizens and to respect their fundamental rights. So the next topic is National Testing Agency. This topic is important for your governance section. Supreme Court has refused to stay the counseling for admissions of students to medical colleges over the so-called a paper leak and irregularities in the National Eligibility Cum Entrance Test Undergraduate Examination 2024. So what is National Testing Agency? It was established in 2017 by the Ministry of Education as a premier specialist, autonomous and self-sustained testing organization to conduct entrance examinations for admission or fellowship in higher education institutions. What is NEET then? NEET is an entrance examination for students who wish to pursue undergraduate medical courses and postgraduate courses in government or private medical colleges, and the aim is to standardize the admission process for medical and dental courses across India. Okay. So the next topic is Starship. This topic is important for your science and tech section. So SpaceX Starship rocket has accomplished its first fully successful test flight last week. SpaceX Starship is an ambitious spacecraft designed to be fully reusable for various missions. It is part of the two-stage two orbit launch system. The first stage involves the Super Heavy booster, which is responsible for the lifting of Starship out of Earth's atmosphere. The second stage is the Starship spacecraft, which is meant for space travel, including carrying crew and cargo. Both stages are fully reusable stages, and it can carry up to 100 passengers. It is powered by the Raptor engines. So the objective include long-term goal of making humanity multiplanetary. NASA's Artemis program is also using Starship to serve as a lunar lander, and it is designed for a variety of other missions also. So the next topic is International Organization of Migration. This topic is important for your social issues and your international relations. At least 49 migrants died and 140 others were missing after their boat capsized off the coast of Yemen. The UN Migration Agency has informed about this unfortunate event. So International Organization of Migration is an intergovernmental organization which provides services and advice concerning migration. It was established in 1951 in Geneva. It promotes human and orderly migration. It wants to maximize the benefits of migration for both the host countries and the home countries. So it also provides health services and support to migrants. It responds to humanitarian crises as well.
एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली कॉम्बैट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑल्सो. ओके, so the next topic is notified disasters. This topic is important for your governance section. So the ongoing spell of extreme heat in many parts of the country has reopened the discussions on the inclusion of heat waves as one of the notified disasters under the Disaster Management Act of 2005. In India, the Disaster Management Act defines a disaster as a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence arising from natural or man-made causes which results in substantial loss of life, destruction of property or damage to the environment. These notified disasters are eligible for relief assistance under the State Disaster Response Fund and the National Disaster Response Fund. However, heat waves are not currently included as a notified disaster under the Act. States also are allowed to use up to 10% of their SDRF allocation for local disasters, including heat waves, which some states have already done. So what is NDMA? It plays a crucial role in laying down the policies, plans and guidelines for disaster management in India. It aims to promote a national resolve to mitigate the damage and destruction caused by natural and man-made disasters. Okay. So the next topic is nitrous oxide. This topic is important for your environment section. So planet warming nitrous oxide emissions have grown by 40% between 1980 and 2020 as per a report published by Global Carbon Project. Nitrous oxide is commonly known as laughing gas or happy gas. It is a colorless, odorless, non-flammable and soluble in water gas. It supports combustion also. It leads to a state of euphoria. That's why it is nicknamed laughing gas. And this is why it is commonly used by dentists and medical professionals to sedate their patients for medical procedures. This gas is also used as a propellant in food aerosols. It is also used in automotive industry to enhance engine performance. So the report says that nitrous oxide has become the third most significant greenhouse gas after carbon dioxide and methane. And it is 273 times more potent than carbon dioxide over 100 years. So nitrous oxide emissions have grown by 40% between 1980 and 2020, and the top 10 emitters are China, India, US, Brazil, Russia, Pakistan, Australia, Indonesia, Turkey and Canada. And the biggest human sources of nitrous oxide are agriculture industry, and 74% of these nitrous oxide emissions have originated from agricultural practices only. Okay, specifically the use of nitrogen fertilizers and animal manure. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.